जनपद संभल की चंदोसी में अग्निशमन विभाग ने संयुक्त चिकित्सालय को सैनिटाइज किया। इस समय पूरा विश्व वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है और इसका असर विश्व के समस्त देशों में देखने को मिल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी इसके भारी संख्या में संक्रमित लोगों के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के तहत जनपद संभल की चंदोसी में भी सभी विभाग काफी सतर्क हैं। इसी के तहत जनपद संभल की चंदोसी में आज अग्निशमन विभाग की गाड़ी संयुक्त चिकित्सालय पहुंची और पूरे अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया। इस विषय में मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के आदेश पर यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें दवाई नगर पालिका परिषद उपलब्ध करा रही है। आज आपने समुदाय स्वास्थ्य केंद्र चंदोसी को सैनिटाइज किया है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार और फायर सर्विस मुख्यालय के आदेश है सभी जनपदों के लिए कि फायर सर्विस की जो छोटी गाड़ियाँ हैं इसको वाटर मिस्ट बोलते हैं। ये वाटर मिस्ट जो है तो इसमें जो है दवा डाल के छिड़काव किया जा रहा पूरे प्रदेश में। तो उसी के तहत आज हमने जो है चंदोसी में थाने में किया फिलहाल, और उसके अलावा स्टेट बैंक में किया, उसके अलावा फिर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है अग्निशमन विभाग चंदोसी द्वारा, जिससे